विशाल का साइन। इधर से भी आ रही है, तनी कौन सी होगी। चलो फिलहाल इसको तो करें, इसको कैप्चर करते हैं। हैवी स्पीड है, लो जी हम जा रहे थे शुजाबाद के, शुजाबाद चलते हैं, वहाँ से व्लॉग बनाते हैं। ये हमारी बाइक खड़ी हुई है, शुजाबाद तो नहीं पहुँचे, रास्ते में आ गई ज़िक्रिया। मैंने कहा चलो फिर ज़िक्रिया को भी लगे हाथों पकड़ लेते हैं, इसकी भी स्पीड चेक करते हैं कि इसकी स्पीड ज़्यादा है या अम्मी की चप्पल की स्पीड ज़्यादा है, देखते हैं। फिर वो तो बहरहाल अभी आई नहीं, अभी इसको 5-7 मिनट देर है, तो जब तक फिर आपको दिखाते हैं मछली का फार्म। आओ फिर मछली का फार्म ही देख लेते हैं जब तक। लो जी ये है मछली का फार्म। अब इसमें मछली है या नहीं है ये मुझे नहीं पता, बहरहाल दिखा दिया आपको कि ये मछली का फार्म है। और एक नहीं है, काफ़ी सारे हैं पीछे तक हैं, देखें जहाँ तक नज़र आ रहा है। बाकी पता नहीं है मछलियाँ या बीच में डड्डू हैं, ये हमें नहीं पता, ये भी इनको पता होगा। ठीक है, ये हम देखते हैं क्या लगा हुआ है जी इधर खेत में, तो घास वगैरह लगी हुई है। जिसको अपनी बकरी चरानी हो, आगे ईद आ रही है तो ला के अपनी बकरी इधर चरा लो। लगी हुई है घास काफ़ी सारी, ये खुशक घास है, ये गिल्ली घास है, ठीक है ना। तो अब चलते हैं हम वापसी रेलवे ट्रैक की तरफ, जहाँ पे आ रही है ज़िक्रिया, ज़िक्रिया एक्सप्रेस, पूरा नाम लेना है बहावलद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस, तो वो देखते हैं। ज़िक्रिया तो आई नहीं, एक बाइक वाला आ रहा है, मट्टी ऐसे उड़ा रहा है जैसे तूफान। वाह जी वाह, किस किस ने ऐसे मट्टी उड़ाई है, ये देखें तूफान की तरह आ रहा है। तूफान मेल, इससे पहले गई है खैबर मेल, ये आई है छोटी सी तूफान मेल, मट्टियाँ उड़ाती हुई। ठीक, अब हम इंतज़ार करेंगे ज़िक्रिया का। वाह जी वाह, तो स्टंट मैन निकल, ओहो अड़ गई भाई, अड़ गई बाइक, अड़ गई। अब ये देखो कैसे निकालेगा, ट्रिक देखें, ये महारत के साथ निकाली, अड़ गया निकल गया भाई, निकल गया। अब थोड़ी सी परेशानी होगी, निकाल ली। ये क्या लिखा हुआ भाई, एस टी का मतलब सस्ता ठंडा। सब्सक्राइब माय चैनल सस्ता ठंडा, सस्ते ठंडे को सब्सक्राइब करें और फॉलो करें, ठीक है। आपको फिर दिखाते हैं हम बहावलद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस जो कि पहुंचने वाली है। और इंतज़ार करने के बाद भाई आ गई रे ज़िक्रिया एक्सप्रेस, हाँ पूरा नाम बहावलद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस। और ये जितनी मटियाँ उड़ाती हुई आ रही है, क्लियर आएगी क्या, सोचने वाली बात है वैसे तो। चलो देखते हैं, फुल स्पीड बहावलद्दीन ज़िक्रिया एक्सप्रेस। ओ थोड़ा धीरे हो भाई, थोड़ा धीरे धीरे, बहुत स्पीड में आ रहा है। ओ ये क्या
गई बाबरदीन जिक्रिया एक्सप्रेस, अम्मी की जुत्ती हो गई इधर फेल, बाबरदीन जिक्रिया जीत गई, इसकी ज़्यादा रफ्तार निकली, हा 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 हा, मम्मा की चप्पल हार गई, पहली मरतबा ऐसा हुआ कि बाबरदीन जिक्रिया जीत गई। अब हम वापसी चलेंगे अपनी बाइक की तरफ, और अपने बाइक से जो है ना हम देखते हैं अब किधर जाते हैं, और जहाँ तक मेरा ख्याल है हमें एक गाड़ी और मिलेगी जिसका नाम है पाकिस्तान एक्सप्रेस, जो जाती है रावलपिंडी से कराची की तरफ। देखते हैं मिलती है या नहीं मिलती, अगर मिलती है तो ज़रूर कैप्चर करेंगे। जंक्शन पर, ठीक है अब हम चलते हैं पाकिस्तान एक्सप्रेस की तरफ। ये कोई नया या पुराना पाकिस्तान नहीं है, ये एक ही पाकिस्तान है, वो वाला पाकिस्तान दूसरा जिसमें हम रहते हैं। ये गाड़ी का नाम है पाकिस्तान एक्सप्रेस, इसको हम देखते हैं कितनी रफ्तार से जाएगी। बहुत जल्द हम दाखिल हो जाएंगे पीटीआई के पाकिस्तान में, अभी तक हैं हम काकड़ साहब के पाकिस्तान में, जो बेचारा खुद कन्फ्यूज़ है कि वो किधर है। चलें जी पाकिस्तान देखते हैं। बाय 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 रे गाड़ी, छुक 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 पाकिस्तान, छुक 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 पाकिस्तान, छुक।